जी, ये है जी किशमिश, खुश्क मेवा, ये भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं, इसमें विटामिन्स बहुत ज्यादा हैं। तो जो खवातीन जिनके चेहरे पर पिगमेंटेशन होती है उनके लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर ड्राई नट्स हैं और ड्राई नट्स कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं ये आप सब जानते हैं। तो आप सेम इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं जी सुबह के ब्रेकफास्ट के, जिसमें जो आज हम बना रहे हैं वो है जी दलिया। जी दलिया आज हम बना रहे हैं और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, उनके साथ हम बना रहे हैं। तो आप फॉलो करें जी हमारी रेसिपी को, जो कि बहुत ही इजी है और बड़े बूढ़े बहुत शौक से खाते हैं और बच्चे भी। और इसके अलावा ये कि ये बहुत जुद हजम है और बहुत ही अच्छा है ब्रेकफास्ट के लिए। तो आप लाजमी ये ट्राई करें रेसिपी। और जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। जी व्यूज़, आप देख रहे हैं कि हमने एक पैन ले लिया है, इसमें अंदाजन हमने 2 गिलास के करीब पानी डाला है और जो हमारे पास दलिया है ये आधी प्याली के करीब है, हम इसके अंदर डाल देंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमने 2 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रखा है और तकरीबन 15-20 मिनट में ये गल जाएगा। तो इसके हम गलने का वेट करेंगे। और अगर आप इसको जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, तो 2-3 मिनट में ये गल जाएगा उससे। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आ रहा है, इस स्टेज के ऊपर हमने जी इलायचियाँ ली हैं और वो भी हम इसको खोलेंगे और खोल के इसके अंदर डाल देंगे। जी वन बाय वन जो है हम इसके अंदर डालते जाएंगे। जी तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बबल्स आ चुके हैं और अब हम इस स्टेज के ऊपर डालेंगे जी 1/2 kg करीब अपना मिल्क। तो व्यूवर्स, इसको बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे और इस स्टेज के ऊपर हम जो अपने ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जी ये बादाम है, इसको हमने हल्का हल्का कूटा है मोटा मोटा, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। जी ये किशमिश है, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। जी ये कोकोनट है और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और कुछ मैं बचा लूँगी ऊपर लगाने के लिए। जी अब हम जी करेंगे इसको टेस्ट, तो देखिए कितना अच्छा बना है, सेहत के एतबार से बहुत ही मज़े का है। और आप भी सेम इसी तरह से बनाइए और इस रेसिपी को एंजॉय करें ब्रेकफास्ट में। और दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जी तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितना प्यारा हमारा जो है दलिया रेडी हो चुका है और कितना मज़े का लग रहा है। और स्टेज पे हम गरम गरम जी अपने इस बाउल में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौसम की सौगात है, हर मौसम की ये सौगात है, आप इसको लाजमी ट्राई करें ब्रेकफास्ट में। और इसके ऊपर जी हम अब लगाएंगे जी अपने नट्स। जी देखिए कितने मज़े का लग रहा है। और जी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जी अपने आलमंड्स। ये कोकोनट है, ये भी ऐड करेंगे।